नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। वर्तमान समय में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां दोनों देश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है और इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाने वाली है। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। वहीं जैसे कि हम सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 2022 के अगस्त महीने में ही न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अपना नाम वापस कर लिया था और वो पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे हैं और ना ही अब वो न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलने के लिए मौजूद हैं, तो लोग उन पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। आई वीडियो के जरिए जानते हैं कि ट्रेंट बोल्ट से लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं। दरअसल ट्रेंट बोल्ट ने तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अपना नाम वापस ले लिया है, मगर वो अब भी अलग देशों के लीग टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बात पर और कोई नहीं मगर क्रिकेट फैंस की पैनी नज़र थी और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात से जुड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेंट बोल्ट एक तेज गेंदबाज है और वो अभी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेल रहे हैं। गेंदबाज होने के बावजूद बोल्ट ने कुछ दिनों पहले ही एक मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी और पर्थ कोचर्स के खिलाफ 16 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली थी, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। वहीं कुछ दिनों पहले उन्होंने भारत में होने वाले इस साल वनडे विश्व कप को लेकर भी सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और अपने देश के लिए विश्व कप 2023 में खेलने की इच्छा जताई थी। क्रिकेट फैंस का यह मानना है कि अगर आप अपनी फैमिली की वजह से देश के लिए नहीं खेल सकते तो फिर ये बड़े बड़े लीग टूर्नामेंट क्यों खेलना। काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक ने कहा है कि वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं मगर पाकिस्तान में जाकर टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते हैं। दूसरे सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि अगर फैमिली को ही टाइम देना है तो फिर बिग बैश लीग क्यों खेल रहे हो। ऐसे से कई तरह के कमेंट लोगों ने किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोल्ट अपनी वाइफ और तीनों बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें, इसलिए उन्होंने अपना नेशनल टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। इस बात से पता चलता है कि कैसे क्रिकेटर्स का झुकाव लीग टूर्नामेंट की तरफ ज़्यादा हो रहा है। बिग बैश लीग के बाद हो सकता है कि वो दुबई में पहली बार आयोजित होने वाले इंटरनेशनल लीग में भी खेलें। तो देश के प्रति ना झुकाव होकर लीग टूर्नामेंट में दिलचस्पी दिखाने वाले खिलाड़ी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।